तो विभागों का बंटवारा हो गया है और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम के पास राजभवन मामले विधि एवं विधायी। सीएम के पास राजभवन मामले विधि एवं विधायी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, जहां सीएम के पास राजभवन के मामले रहेंगे और विधि और विधायी के मामले भी रहेंगे। तो नायब मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। कौन कौन मंत्रियों को क्या विभाग मिला इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार और ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं हम सीएम के पास कौन से विभाग रहेंगे। तो आबकारी और कराधान विभाग जो है वो सीएम के पास रहने वाला है। गृह विभाग भी सीएम के पास रहेगा। साथ ही युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग जो है ये भी सीएम के पास रहने वाला है। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग भी सीएम के पास रहेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विदेशी सहयोग और न्याय प्रशासन विभाग भी सीएम के पास ही रहने वाला है। खान एवं भू विज्ञान सामान्य प्रशासन विभाग भी सीएम के पास रहने वाला है। सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति सीआईडी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो है वो सीएम के साथ रहेगा। विदेशी सहयोग न्याय प्रशासन विभाग राजभवन मामले विधि और विधायी संबंधित विभाग भी सीएम के पास रहने वाला है। तो गृह राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग भी सीएम के पास ही रहेगा। खाना और भू विज्ञान विभाग, आबकारी कराधान विभाग, सामान्य प्रशासन सीआईडी विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ये तमाम विभाग सीएम के पास ही रहने वाले हैं। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और चलिए मंत्री जेपी दलाल के पास जो विभाग रहने वाले हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। वित्त विभाग उनके पास रहने वाला है। शहरी संपदा अभिलेखागार विभाग जो है ये रहने वाला है जेपी दलाल के पास। साथ ही वित्त विभाग, योजना नगर ग्राम नियोजन विभाग उनके पास रहने वाला है। शहरी संपदा अभिलेखागार विभाग मंत्री जेपी दलाल के पास होगा। वित्त विभाग, योजना नगर ग्राम नियोजन विभाग जो है इनके पास रहने वाला है। तो यहां आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और इसके बाद किसके पास कौन सा विभाग रहेगा वो हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहने वाला है। तो वित्त विभाग, योजना विभाग और चलिए अब मंत्री कंवरपाल के पास जो विभाग रहने वाला है वो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उनके पास रहेगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है वो उनके पास रहने वाला है। साथ ही मत्स्य पालन विभाग भी उनके पास रहेगा। संसदीय मामलों का विभाग जो है वो भी उनके पास रहने वाला है। विरासत एवं पर्यटन विभाग उनके पास होगा। आतिथ्य सत्कार विरासत एवं पर्यटन विभाग जो है वो मंत्री कंवरपाल के पास रहने वाला है। तो एक एक करके विभाग बंटवारे किस प्रकार से हुए हैं वो हम देखे जान रहे हैं, जहां गृह विभाग सीएम के पास ही रहने वाला है। और इसके बाद हमने जाना कि कंवरपाल के पास जोन से विभाग रहने वाले हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री कंवरपाल के पास रहेगा। मत्स्य पालन विभाग भी उन्हीं के पास रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी उनके पास रहने वाला है। पशुपालन एवं जो डेयरी विभाग है वो मंत्री कंवरपाल के पास ही रहने वाला है। तो विरासत एवं पर्यटन विभाग मंत्री कंवरपाल के पास रहने वाला है। आतिथ्य सत्कार विरासत पर्यटन विभाग जो है उनके पास रहने वाला है। साथ ही जयप्रकाश दलाल के पास जो है वो वित्त विभाग, योजना विभाग, नगर एवं वाणिज्य विभाग जो है, नियोजन विभाग, शहरी संपदा विभाग उनके पास रहेगा, अभिलेखागार विभाग उनके पास रहेगा। उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए देखिए एक एक करके समझने की कोशिश। मंत्री कंवरपाल के पास कृषि एवं कल्याण विभाग रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें उनके पास आतिथ्य सत्कार विभाग भी रहने वाला है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग काफी महत्वपूर्ण ये विभाग वो भी इनके साथ रहेगा। और चलिए मूलचंद शर्मा के पास हम जान लेते हैं कौन सा विभाग रहेगा। उद्योग वाणिज्य श्रम और चुनाव विभाग इनके पास है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग इनके पास रहने वाला है।
तो एक एक करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। तो उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है वो मंत्री मूलचंद शर्मा को दिया गया है, उसके साथ श्रम विभाग उनके पास रहने वाला है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जो हैं वो उनके पास रहेंगे, चुनाव के मामले उनके पास रहने वाले हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश कौन से मंत्री के पास रहेगा कौन सा विभाग यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले हमने जाना कि जेपी दलाल के पास कौन से विभाग रहने वाले हैं, सीएम के पास कौन से विभाग रहेंगे वो भी हमने जाना। चलिए, हरियाणा कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग होगी और बैठक में सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक और चुनावों के मद्देनजर बैठकों का दौर भी जारी है। और इसी बीच देखिए, हरियाणा में जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े फेरबदल हुए हैं और उसके बाद अब विभागों के बंटवारे भी हो चुके हैं, और इन बंटवारों के बाद अब यहाँ पर एक एक करके तमाम जो कार्य हैं उसे चारों रूप से करने की कवायद तेज हो गई है। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होनी है और इसमें तमाम मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे दी, हरियाणा कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, सीएम नायब सैनी के द्वारा ये बैठक ली जाएगी, इस बैठक की अध्यक्षता वो सुबह 11 बजे करते नजर आएंगे। तो बैठक में सभी मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जहां आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे भी हो चुके हैं और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां विभाग बंटवारे के बाद अब बैठक का दौर जारी रहेगा, जहां आज सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, बैठक में सभी मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है, तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये बैठक का दौर भी देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, तो हरियाणा में का पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। सीएम सैनी ने गृह विभाग अपने पास रखा है और पहले की सरकार में अनिल विज गृह मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि नायब सैनी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है। 12 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश, साथ ही आपको बता दें सबके बाद
और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इसको लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट? बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन के बाद आज नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी, क्योंकि बैठक में कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो ऐसे में जो विभागों में बंटवारा किया है, तमाम मंत्रियों को विभाग जो है वो बांटे गए हैं, उसको लेकर जो है इस कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है तमाम मंत्रियों को अपने विभागों में काम करना है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है तमाम मंत्रियों को पदभार जो है संभलवाने का काम जो है वो करेंगे, कुर्सी पर बिठाने का काम जो है वो किया जाएगा। 11 बजे बैठक शुरू होगी, बैठक में जो है चर्चा जो है वो की जाएगी और मुख्यमंत्री सबसे जो है वो इस दौरान मिलेंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस दौरान कोई घोषणा या फिर कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से कल ही बता दिया गया था कि पोर्टफोलियो जो है वो जल्द ही मंत्रियों को दे दी जाएंगे। तो ऐसे में 13 विभाग जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास रहेंगे, जिनमें से गृह विभाग, आपकारिकर्तन विभाग और तमाम विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। और इसके अंदर कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल जो मंत्री जो है वो कंवरपाल गुर्जर होंगे, उन्हें कृषि के साथ साथ 6 डिपार्टमेंट जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ कमल गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है, और भी तमाम विभाग दिए गए हैं, और रंजीत सिंह चौटाला जो मनोहर लाल सरकार में जेल एवं ऊर्जा मंत्री थे उनके पास सेम डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा जो सीमा त्रिखा है उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है, और इसके साथ साथ तमाम मंत्रियों को विभाग जो है वो आवंटन कर दिए गए हैं। बात की जाए तो संजय सिंह की, जो सोना से विधायक है, उन्हें खेल मंत्री जो है वो बनाया गया है। सुभाष सुधा जो थाने से विधायक है उन्हें वेलबी का डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों को देर रात जो है विभाग जो है और अलॉट कर दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट की बैठक जो है वो बुला ली गई है, 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। बैठक में तमाम मंत्री जो है वो शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री की ओर से तमाम दिशा निर्देश जो है वो तमाम मंत्री को दिए जाएंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद किस तरीके से विभागों में काम करना है, पारदर्शिता तरीके से जो है काम जो है वो डिपार्टमेंट में किया जाए, और जो भी योजनाएं है सरकार की उसका लाभ आम जन तक पहुंच सके। इन तमाम बातों को जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से इन मंत्रियों के समक्ष जो है वो बातें रखी जाएंगी। चलिए साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। टोहाना से खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल टोहाना के दौरे पर रहेंगे। जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी शामिल होंगे। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी शामिल। तो बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल टोहाना के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टोहाना पहुंचेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। तो कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का कार्यक्रम, जहां जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल, बड़ी खबर आपको बता दें। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी शामिल होंगे। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी होंगे शामिल। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इसमें शामिल होंगे। जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए टोहाना पहुंचेंगे जेपी दलाल। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर भी शामिल होंगे।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी होंगे मौजूद। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल सुहाना दौरे पर नजर आएंगे। जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी शामिल होंगे। लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर भी इसमें होंगे शामिल। जेपी दलाल उद्घोष कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।